ঈদ মোবারক গাইস বলতো ঈদ মোবারক বলতো চলো আগে তক দেখো ইয়া রেড রোড বলতো তুমি বলো তো তুমি দেখতে বলো তো कहां है सच्चो रेड रोड पे किस लिए और ये देखिए पानी का इंतजाम क्या है अब गाइस तुम लोग देखो तो आई बाप विक्ट्री साइड कहां सर्जिल दिखा दो तो सर्जिल करो और क्या मिला तुम लोग को नहीं देखा पकड़ लो खजूर मिल गया तो तुम लोग काहे नहीं लाए कुछ हां गाइस तुम लोग काहे नहीं लाए कुछ अब भरेगा धीरे धीरे तो क्या सब भरेगा सारा भर जाएगा तो ये देखिए सबसे बड़ा स्पोर्ट एसोसिएशन सबको फैसला करेगा इसका हाथ काटा जाएगा या नहीं जाएगा ये संसार दिया जाएगा कि नहीं
गिरफ्तार किया जाएगा, इसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी वो एक अदालती कार्रवाई है, अदालती। आज इस पर तबसरा कर रहे हैं हमारे वजीर दाखिला साहब, मगर उसको खुद ये मालूम नहीं है ये दोनों अलग क्यों है, प्रेस का पर्सनल अलग क्यों है, क्रिमिनल अलग क्यों है, इसकी वजह क्या है? इसकी बहुत बड़ी वजह है, वो मामला तो क्रिमिनल का आता है, उसके लिए गवाहों की जरूरत, उसके लिए शहादत की जरूरत, उसके लिए दलील की जरूरत, उसके लिए सबूतों की जरूरत, तब जाके वो मामला बनता है। सिर्फ इस एतराज करने से नहीं होगा, जरा सा इधर उधर पढ़ लिया और एतराज कर दिया, इस्लाम पर एतराज करना आसान नहीं है, आसान नहीं है। कोई भी इस पर कोई एतराज करके चला जाएगा, मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इंसानों के जान की कीमत इस्लाम ने लगाई, इस्लाम ने बताई, इस्लाम ने इसको दुनिया में फैलाया। बहुत हो ईद मुबारक, ये रे रोड में ईद का दिन मौका मिलता है, इसके लेकिन आइयों का जो हफ्ता दिन से कितना मौका मिलता है, ये आवाज है, आवाज ये आवाज, ये सरजीर मेरा भगना, अरे एक और भतीजा, आराम सबसे हैंडसम लड़का, आने वाला मॉडल, चला आराम हम तो डरते नहीं हैं, हम तो डरते नहीं हैं, हम तो डरते नहीं हैं।